मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में शानदार प्रोग्राम जिसका आयोजन आपके चहेते राज कपूर ने किया है इंडियन नेवी के लिए। आप भी देखेंगे ये प्रोग्राम, वो देखिए इंडियन नेवी के नए एडमिरल नंदा और पृथ्वीराज कपूर, सुरीले जयकिशन, गायक मोहम्मद रफी, डेविड चाचा, सुंदर सिमी, दारा सिंह से बचिए और प्रेम चोपड़ा से भी, साधना और बबीता, हंसी आई आगा आए और जॉनी वॉकर भी आए, विम्मी, राज कपूर के बेटे डब्बू और उनकी माता जी, बड़े मारुति के साथ छोटे महमूद और फिर बड़े मियां, ख्यालों में हेलन, नए पद्मश्री राजेंद्र कुमार, जेल पांडी जितेंद्र, अरे राजकुमार भी आ गए, और नेवल स्टार प्रोग्राम के खास मेजबान एडमिरल चटर्जी। नेवल स्टार का ये रंगारंग फिल्मी शो साल का सबसे शानदार प्रोग्राम है जिसे देखने के लिए भारत के राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी भी आए हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ। बस राष्ट्रपति जी पधारे और प्रोग्राम शुरू होने वाला है। बहनोरियों, राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में आज जो प्रोग्राम आप देखेंगे उसे मैं करेंगे, दिल थाम के बैठिए, देखिए और सुनिए। जयकिशन जी के संगीत के साथ साथ वो जिस तरह की पोशाक पहनते थे, जिस तरह के कपड़ों से सजते धजते थे, वो भी चर्चा का विषय रही। फिल्म जगत में अपना मुकाम बना चुके जयकिशन जी को काम के साथ साथ अच्छे कपड़ों का, दोस्तों के साथ उठने बैठने का, पार्टीज का बहुत शौक था। और शुरुआत में मुफलिसी देख चुके जयकिशन दौलत पाने के बाद उसे दिल खोल के खर्च करना चाहते थे, महंगी कारें, आलिशान घर, स्टाइलिश कपड़े, ये जयकिशन जी के शौक थे। और हो भी क्यों ना, स्ट्रगल के समय वो शर्ट्स और पजामे में भी घूम चुके थे। अब उनका समय था जिंदगी जीने का, और बेहतरीन जिंदगी जीने का, लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनने का। शॉर्ट्स और शर्ट में घूमने वाला लंबी कद काठी का खूबसूरत जयकिशन अपने संगीत के अलावा अपने कपड़ों और अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से उस जमाने में एक फैशन आइकन बन चुके थे। और यही वजह थी कि एक म्यूजिक कंपोजर होने के बावजूद लड़कियां उन पर ऐसे मरती थीं जैसे वो कोई फिल्म हीरो। हुआ यूं कि किसी फिल्म की सफलता के चलते एक फाइव स्टार होटल में एक बड़ी शानदार पार्टी अरेंज की गई। बड़ी मशहूर हस्तियां इस पार्टी में शामिल थी और उस वक्त के तीन सुपरस्टार देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार भी थे। भीड़ टूटी जा रही थी उनके ऊपर, गेट क्रैशर्स अब भी होते हैं और तब भी थे। तीनों मसरूफ थे अपने अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने में, फोटोग्राफ्स के लिए। लड़कियों की, खूबसूरत महिलाओं की भीड़ इन तीनों सितारों के आसपास जमा थी। इसी बीच एक बड़ी गाड़ी होटल के दरवाजे पर रुकी और उसमें से बाहर निकला सुपरस्टार जयकिशन। आप यकीन नहीं मानेंगे, जयकिशन साहब के उतरते ही वो तमाम भीड़ जो अब तक उन तीनों सुपरस्टार्स के इर्द गिर्द जमा थी, यानी कि देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार, वो भीड़ भागी जयकिशन की ओर, घेर लिया जयकिशन साहब, फोटोग्राफ, ऑटोग्राफ। वो सारी लड़कियां जो फिल्मी हीरोज के आसपास जुटी हुई थी, वो सारी लड़कियां बढ़ ली इस खूबसूरत आदमी की तरफ जिसका नाम था जयकिशन। पब्लिक का ये रिएक्शन देखकर दिलीप कुमार और देवानंद, जो खुद जयकिशन की लोकप्रियता से, उसकी स्टारडम से वाकिफ थे, मुस्कुरा उठे और बढ़ लिए पार्टी हॉल की तरफ अंदर। तो दोस्तों, ऐसा था जलवा उस वक्त जयकिशन जी का कि बड़े बड़े हीरो भी मान जाते थे। शंकर एंड जयकिशन आर स्टार कंपोजर्स। जब उनका कॉन्सर्ट हुआ करता था तो चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे राज कपूर हो, चाहे राजेंद्र कुमार हो,
नोबडी वांटेड स्टार्स मोर देन 2-3 मिनट्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स को ये लगता था कि स्टार आएगा तो एंटरटेनमेंट क्वेश्चन बढ़ेगा, बट दे वांटेड शंकर जयकिशन बैक ऑन स्टेज विद देयर हिट्स एंड हिट्स मींस व्हाट, अ होल पैरेड ऑफ हिट्स अबाउट ओवर 100 फिल्म्स. शंकर जयकिशन वर द फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स टू क्रॉस 100 फिल्म्स. किसी जमाने में जय किशन से बड़ी दोस्ती थी, तो हुआ ये कि ईगल फिल्म जो कि एफसी मेहरा साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इनको ले लिया नए डायरेक्टर को और टॉप स्टार शमी कपूर के साथ. तो ये गए जय किशन के पास कि भाई मुझे ऐसी पिक्चर मिली हो, इसमें तुम म्यूजिक दे दो. तो उनका ठीक है, हम जो प्राइज लेते हैं तो लेते हैं, जो भी वो पैसा देंगे तुम्हारे लिए हम वो पिक्चर कर देंगे, वो हमको 5-10 हज़ार भी दे दो उसमें भी कर देंगे तुम्हारे लिए. और हकीकत यह है कि उस वक्त वो लेते क्या थे, मेरे ख्याल से 4.5-5 लाख उनकी प्राइस थी उस वक्त, 61-62 की बात है. यानी अगर आज उस मुकाबले का कोई म्यूजिक डायरेक्टर हो तो शायद 15-20 करोड़ ले रहा. उस वक्त जो बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें होती थी, कलर फिल्में, मल्टी स्टार फिल्में, वो 25-26 लाख में, ज़्यादा ज़्यादा 30 लाख में बन जाती थी. तो अगर 5 लाख म्यूजिक डायरेक्टर ले रहा है तो 1/6 तो ले ही रहा है ना. आज तो पिक्चरें 100-100 करोड़ की बनती हैं. तो आप सोचिए कि शंकर जय किशन के बराबर कामयाब अगर आज कोई म्यूजिक डायरेक्टर हो तो उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए. उनकी ये क्रेडिबिलिटी थी कि अगर एक लेटर हेड पे वो 2 लाइन लिख के दे दें कि हम मिस्टर एक्स जो है या मिस्टर वाई जो है या टॉम डिक या हैरी जो भी है उनकी पिक्चर में म्यूजिक देने को हम तैयार हैं, हम इनकी फिल्म में म्यूजिक देंगे, बस ये लेटर ले जाके कोई भी आदमी मार्केट में पिक्चर के लिए फाइनेंस ले सकता था. जो फाइनेंसर थे वो इस बात पे पैसा देने को तैयार थे कि भाई हीरो तो तुम किसी को भी लोगे या हीरोइन किसी को भी लोगे, लेकिन अगर शंकर जयकिशन की म्यूजिक है तो हम पिक्चर को फाइनेंस देने को तैयार. Songs in the 50s were undoubtedly something else. Never before was the feeling of love expressed in a more beautiful fashion. In that period, music directors like Shankar Jaikishan went from strength to strength, so much so that by the mid-60s, they charged a record whopping 5 lakh rupees per film to become the highest paid music directors ever. There are only 2 composers, ek O.P. Nayyar aur ek Shankar Jaikishan, jinke naam par picture bik jati hai. Wo 2 hi composers the jinke posters बोर्डिंग्स पे एक्टरों के साथ उनकी पिक्चर उनकी फोटो लगती थी. Really? It's a matter of pride for composers to even hear that. एक बार भारत सरकार ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के प्रचार के लिए स्कीम बनाई थी कि जो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करेगा उसे शंकर जयकिशन का प्रोग्राम देखना मुफ्त मिलेगा. जी जी जी, और इतिहास गवाह है कि इस देश के बहुत से लोगों ने शंकर जयकिशन के प्रोग्राम को देखने के लिए ही इस स्कीम में इन्वेस्ट किया. तो ये जलवा, ये पॉपुलैरिटी थी शंकर जयकिशन की. शंकर जयकिशन के करियर में एक पॉइंट ऐसा भी आया कि दोनों इंडस्ट्री के सबसे महंगे सक्सेसफुल कंपोजर माने जाते थे, और इसका थोड़ा नुकसान भी इनको हुआ. कुछ प्रोड्यूसर जो इनकी प्राइज नहीं दे सकते थे, उन्होंने LP कल्याण जी आनंद जी
और राहुल देव बर्मन को मौका देना शुरू किया। इंदिरा गांधी ने जब पहली बार नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का अनाउंसमेंट किया तो उन्होंने क्या किया पता है कि जो लेने वाला है उस सर्टिफिकेट को उनको शंकर जयकिशन के शो के लिए फ्री पासेस दिए जाए। दिस वॉज द रीजन शंकर जयकिशन वेर द रीजन वाई द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वेर लॉन्च सक्सेसफुली। कैन यू इमेजिन दैट? बिकॉज दिस इज द स्टेटस दैट शंकर जयकिशन हैड। थोड़ा रुक जाओगी तो क्या होगा, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। ओ कामनी ओ कामनी। पजामा तंग तंग है, ढीला ढीला कुर्ता है पजामा तंग तंग है। अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपना ही रंग है। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा। शंकर जयकिशन का बहुत बड़ा हाथ है राज कपूर की फिल्म में, बहुत बड़ा उनका म्यूजिक संगीत बहुत बड़ा था उनका उनकी पिक्चर में। और शैलेंद्र दिल्ली से शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, ए ग्रेट कॉम्पोजिशन, ग्रेट सॉन्ग्स। आई मीन स्टार्टिंग ऑफ विद बरसात, दैट इन मेरा नाम जोकर, टिल टाइम इन जय अंकल डाइड। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक राज कपूर हैड इन हिज फिल्म्स, ग्रेट म्यूजिक। म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन का क्या कहूं, इन सबसे मैंने बहुत कुछ पाया। गीतकार मैंने सबसे बहुत कुछ पाया। दरअसल ये जितना भी इस रस में इन लोगों का हिस्सा है उतना मेरा नहीं। अब आप सुनेंगे जोकर के दिल की आवाज खुद जोकर की जबान से। एक भाई तरह देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई एक भाई तरह देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई We all worked together to make good music, and we did make good music, and that continued in my life with everyone that I worked with. That worked with Jayakishan. Jayakishan and I grew up together. We were in the theatre together. Shankarji also. Shankar Jayakishan started with Nayyar, and Shankar Jayakishan took up from there. My music in Changli was out of this world. जाने तमन्ना किधर जाती हो, राम से आओ तो जैना जाए, राम जाओ तो जैना जाए, राम जाओ तो जैना जाए, राम जाओ तो जैना जाए। बहुत पॉपुलर है, मैं जहाँ भी जाता हूँ किसी फंक्शन में या किसी शादी में, बैंड वाले होते ना तो मेरी एंट्री पे भी वही गाना बजाते हैं, बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। तो वो ऐसा लगता है कोई ट्रेडमार्क बन गया।
सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है। आवारा आवारा एक नई तरह की कहानी थी। आवारा में एक नई तरह का हीरो आया और आवारा में एक नई तरह की म्यूजिक भी आई। आवारा हूँ वो गाना न सिर्फ हिंदुस्तान में गूंजा बल्कि सारी दुनिया में। आवारा की खुशबू हिंदुस्तान की सरहदों से आगे निकल के ईस्टर्न यूरोप और सोवियत यूनियन तक पहुंच गई। पूरे ईस्टर्न यूरोप में, रूस में, सोवियत यूनियन में लोग राज कपूर के दीवाने हो गए। आवारा हूं गाते रहे। हम लोग कंपोजिंग करते हैं, किसी को कोई धुन पसंद आती है तो किसी को नहीं, लेकिन शंकर जयकिशन का जवाब नहीं। ऐसी कंपोजिंग करते हैं जो सबके मन को मोह लेती है, जैसे मेरा जूता है जापान। ये गीत हमारे देश में तो पसंद ही किया गया। मैंने रूस में भी इस गाने को ग्रामोफोन की दुकान पर, होटलों में और घरों में बजते हुए सुना। Then the teaming of Shammi Kapoor's Absolute Magic, then Rajinder Kumar's Absolute Magic. They're all the actors, and there was a time, I know my friend Jatin used to tell me that he had to get a film with Shankar Jayakishan. They paid him much more to the music director than him, because the film would only sell if they had the music director like Shankar Jayakishan doing the film. मैं ये सबसे पहले ये कहूँगा कि Shankar and Jayakishan are star composers. Firstly, they were the only music directors or the first music directors to be paid more than the stars of the film per project. तो स्टार कंपोजर का मतलब ये भी होता है कि पूरे के पूरे टेरिटरीज फिल्म के अनाउंसमेंट पे बिक जाते थे, जिसमें एक लाइन थी म्यूजिक शंकर जयकिशन। देसी ईरानी भी आ गई। डीजे बच्चे भी झूमने लगे, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं शंकर जयकिशन का संगीत सुनकर। शंकर जयकिशन का संगीत जिसने हर संगीत प्रेमी के दिल में घर कर लिया है। इत्तेफाक से राज साहब ने पिक्चर शुरू किया पहले बरसात, तो हर वक्त बोलते थे कि भाई तुम अगर गाने पसंद आएंगे तो मैं लूंगा, तो मना करो। तो ऐसे कहे गाने बनाए लेकिन कभी उनको पसंद आए ही नहीं। तो हम बोलते थे भाई आप बनवाते हैं लेकिन लेते तो है नहीं। इत्तेफाक से हम पुणे गए एक वक्त ठेके के साथ। अच्छा। तो रात का वक्त है तो मैंने बाजा लिया, बाजा देकर मौला राज साहब बैठी अब ये धुन सुनिए जरा आपको कैसी लगती है, भले आप मत लीजिए लेकिन सुनिए गाना। मैंने वो अंबुआ का पेड़ है वो ही मुंडेर है, आजा मेरे बालमा अब काहे को देर है, ये गाना मैंने सुनाया। सुनाया जैसे सुनते ही कहा कि भाई अपन बंबई चलते हैं और ये गाने को रिकॉर्ड करते हैं। तो बस फिर मुंबई हम चले आ गए। अच्छा। तो आने के बाद और वाकई वो सीरियस उस गाने के पीछे लग गए, भाई गाना जरा सुनाओ। तो उस गाने के लिए हसरत मियां लिखने के लिए आए। तो फिर हसरत भाई ने उस धुन पर बोल कौन सी लिखी? जिया बेखरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार। शंकर जयकिशन की अगर पहली पिक्चर का नाम बरसात था तो बहुत मुनासिब नाम, इसलिए कि वाकई उनके आते ही एक बरसात शुरू हुई खूबसूरत और अच्छे गीतों की। और न सिर्फ खूबसूरत अच्छे बल्कि सुपर हिट। आज तो एक गाना हिट हो जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। बरसों तक शंकर जयकिशन ने जो म्यूजिक दी है उसमें एक गाना हिट नहीं होता था, वो पूरा एल्बम हर गाना उस पिक्चर का हिट होता था। बरसात हैड द फर्स्ट
टाइटल सॉन्ग बरसात में हम तुमसे मिले, द फर्स्ट कैबरे सॉन्ग पतली कमर है, द फर्स्ट सैड सॉन्ग दैट वॉज नॉट वेरी मोरोस एंड लैंगरस बट फास्ट पेस्ड, रफी साहब का मैं जिंदगी में हरदम रोता गया हूँ, आवारा सॉ द फर्स्ट ड्रीम सीक्वेंस, घर आया मेरा परदेसी, मैं नंबर देते हैं बड़े बड़े जिन्हें भी मुश्किल वो तकरीबन मैंने उसको अच्छा। एक बड़ा सुंदर सा गोरा दुबला पतला एक लड़का है मुझे बुलाने, उसने कहा कि राज कपूर के गाने हैं और आपको बुलाए हैं, तो मैं सोचती रही क्योंकि मैं पृथ्वीराज कपूर जी को मतलब देख चुकी थी कोल्हापुर में, तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये इतने हैंडसम आदमी हैं तो इनके बच्चे कैसे होंगे, राज कपूर कैसे होंगे, तो मैं सोचती रही। मैंने मीना को कहा, मैंने कहा मीना आज राज कपूर के यहाँ से एक शायद कोई उनके ऑफिस का बॉय था आया था मुझे बुलाने, बड़ा सुंदर था, इसका मतलब जैसे प्रोड्यूसर हैं वैसे शायद उनके नौकर भी हैं, और मैं जब गई तब पता चला कि वो जयकिशन है। मुझे लगता है जैसे शंकर जयकिशन ने म्यूजिक किया और किसी ने। हमारी जिंदगी जो है इनकी थिएटर से शुरू हुई है, और आपको मालूम है कि थिएटर में बहुत सीखने को भी मिला है और बहुत अच्छा काम करने को भी मिला है। ऐसा है कि जब थिएटर में मैं काम किया करता था तो एक हारमोनियम बजाने वालों की जरूरत थी, तो उस वक्त मैंने जयकिशन जी को वहां काम के लिए ले आया। जब लाया तो उनको दादाजी ने रख लिया, बस उसके साथ हमारी ये जोड़ी जो बनी है, जैसे बरसात शुरू हुई है तो आज तक बरसात ही बरसात बरसात ही बरसात होती रही है। अब रहा यह है कि दोनों जो मिलकर काम करते थे लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो कर रहा है या मैं कर रहा हूं, ऐसे कभी दिमाग में हमारे कोई ख्याल नहीं आए, हमेशा यही सोच के करते थे कि हमारा नाम होना चाहिए, हमें कामयाबी मिलना चाहिए और खूब दुनिया में हमारे चर्चे होना चाहिए। बरसात फिल्म बनने से पहले ही कुछ हम स्टूडियो के चक्कर लगाते लगाते एक दूसरे से मिल गए थे, और उन दिनों में एक हारमोनियम प्लेयर की जगह खाली थी पृथ्वी थिएटर में, वो पहले से ही वहां पर कुछ तबला बजाने के लिए वहां पर मुकर्रर किए गए थे शंकर भाई, हाँ जी, और वो मुझे वहां लेके गए और मैं हारमोनियम बजाने के लिए वहां शामिल हो गया उनके साथ। शंकर साहब से अगर आप पहली बार मिलेंगे तो आपको लगेगा कि क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि थोड़ा सा डर सा महसूस होगा। अच्छा अच्छा। और दूसरी बार मिलेंगे तो आप उनसे और प्यार करने लगेंगे। अच्छा। और तीसरी बार मिलेंगे तो उनका जो गुण और उनकी कला देख के आप उनके ही हो जाएंगे। शंकर जी जैसे शंकर जयकिशन संगीतकारों की जोड़ी मशहूर हुई, इसी तरह दो राइटर भी आपके साथ जुड़े हुए रहे हमेशा, शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी जी, जी हम जान सकते हैं कि इन दोनों राइटरों का इस्तेमाल आप लोग कैसे करते थे, क्या ऐसा कुछ था कि एक राइटर आपके साथ और एक जयकिशन जी के साथ? नहीं ऐसा कुछ नहीं जी, बात ऐसी है शैलेंद्र के टाइप के गाने जो है वो हम शैलेंद्र को दिया करते थे जी, और हसरत की तरफ के गाने वो हसरत को दिया करते थे। वैसे ये दोनों ही एक दूसरे से कोई कम नहीं थे, और मैं समझता हूँ ये दो राइटरों ने जितना नाम किया और इतने जितने गाने उनके चले, शायद ही मैं समझता हूँ कि ऐसा कम है। दिल से दिल के एतबार का जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है,
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। चल रहा था वो शंकर जयकिशन ने बदल दिया, बरसात से उन्होंने पूरा म्यूजिक का स्टाइल बदल गया और एक नया म्यूजिक शुरू हुआ। शंकर जयकिशन ये नाम जादू है और इन लोगों को सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने फॉलो किया। इनका जो ब्लूप्रिंट है वो रहमान और उनके बाद के कंपोजर्स भी फॉलो करते हैं, चाहे उसके बाद में लोग बोलते हैं कि कुछ अलग अलग स्कूल्स बने म्यूजिक के, देयर वाज एन आरडी बर्मन स्कूल एंड अ रहमान स्कूल, दैट डिड नॉट मैटर, द ब्लूप्रिंट द ओरिजिनल फॉर्मेट वाज क्रिएटेड एंड कंपोज्ड बाय शंकर जयकिशन। दूसरी तरफ जो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये भी है, आप जरा गौर से अगर सुनेंगे म्यूजिक शंकर जयकिशन के आने के बाद और शंकर जयकिशन के आने से पहले, उस म्यूजिक में एक फर्क है। ये गीत जो थे हमारे हाथ, तो गीत पहले स्टेज पे होते थे या महफिल में होते थे, तो वो उसकी म्यूजिक भी एक लिमिटेड सी होती थी, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी होती थी लेकिन म्यूजिक उसकी उसका ऑर्केस्ट्राइजेशन जो था वो एक लिमिटेड था। दूसरी तरफ यूरोप की ट्रेडिशन रही है सिम्फनी की, जहाँ पर म्यूजिक बहुत बड़ा 60 पीस 100 पीस 80 पीस ऑर्केस्ट्रा, और जिसमें वायलिन बज रहे हैं तो एक साथ 40 वायलिन बज रहे हैं, जिसमें अगर परकशन है तो परकशन की 8-9 वैरायटीज मौजूद है। हालांकि कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इनसे पहले भी वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल हुए हैं, पंकज मलिक ने किए हैं, पियानो भी किया है, चेलो भी किया है, ट्रम्पेट भी किया है, लेकिन उसमें वो सिम्फोनिक क्वालिटी नहीं लाए, उन्होंने उन्हें अलग साउंड इस्तेमाल कर लिए। शंकर जयकिशन ने गाने के कैनवस को बहुत बड़ा कर दिया। अब वो यूं कहिए कि गाना जो था एक शॉर्ट स्टोरी जैसा होता था, उन्होंने उस म्यूजिक को नॉवल बना दिया, दास्तान बड़ी बना दी। ये बिगिनर जो थी म्यूजिक पे और जो फैलाव विस्तार आया वो शंकर जयकिशन की वजह से। एक बात यहाँ कहना बहुत उचित होगा कि ओबो, बैकपाइप, सैक्सोफोन, चेलो, मैराकस, हार्प, फ्रेंच हॉर्न, ट्रैम्पोलिन जैसे विदेशी साज शंकर जयकिशन जी के संगीत की शोभा बने पहले, और बाद में अन्य संगीतकारों ने उसका इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, वॉल्स, ब्लूज, रॉक एंड रोल, ट्विस्ट, स्विंग, बिग बैंड, बोसानोवा, स्लो रॉक जैसी विदेशी संगीत और नृत्य धारा को शंकर जयकिशन जी ने अपने संगीत में पहले बहाया। वेस्टर्न म्यूजिक क्या है, म्यूजिक की कोई जात नहीं है, दुनिया में कहीं जाइए आप, किसी दुनिया के कोने में म्यूजिक के साथ सुर है, बस वो साथ ही सुर में आदमी को कंपोज करना है, कोई छठवां आठवां सुर तो होता नहीं। क्यों? अपनी अपनी सभ्यता जो होती है वो उस सभ्यता के हिसाब से, मुल्क के हिसाब से, मुल्क के तरीके के हिसाब से, उनके तार तौर, उनके रिवाज जो है उसी तरीके से वो कंपोजिशन हो जाता है। जैसे आप अंग्रेजी म्यूजिक है, अंग्रेजों के मुल्क में वो अंग्रेजी म्यूजिक बन गया, जर्मनी में चले जाइए वो जर्मन म्यूजिक बन गया, और रशिया में चले, जहां भी मर्जी किसी भी, जैसे हिंदुस्तानी है कि क्यों कि हम हाथ से खाने वाले लोग हैं, धोती और कुर्ता पहनने वाले लोग हैं, साफा बांधने वाले लोग हैं, तो हमारा गाने का स्टाइल कुछ और है, और ब्रिटिश या लंदन इस तरफ जाएंगे या अमरीका जाएंगे, उनका पहनाव उनका तरीका कुछ और है, तो उसी हिसाब से सात सुर है, लेकिन अंग्रेजी म्यूजिक कोई भी कंपोज कर सकता है जिसको म्यूजिक मालूम है। जैसे मसलन मैं पियानो बजाता हूँ, अकॉर्डियन बजाता हूँ, तो मेरे लिए कोई अंग्रेजी म्यूजिक कोई मुश्किल नहीं है। अंग्रेजी म्यूजिक का मतलब क्या, उनका ढंग है, बेसिक चीज, बेसिक उनका है बस, बाकी कंपोज कोई भी कर सकता और इसको कोई दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा ही म्यूजिक है या दूसरा नहीं कर सकता, गलत है ये। दूसरी तरफ बसंत बहार जहाँ उन्हें क्लासिकल म्यूजिक की जरूरत पड़ी, जिस तरह की म्यूजिक उन्होंने दी है वो कोई संगीत का उस्ताद ही नहीं था। यही तो उनकी कहना चाहिए म्यूजिकल मसल की पावर थी
कि वो कुछ भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जैसा कि मैंने आपसे शुरू में बताया कि उन दोनों की किस तरह की क्लासिकल की ट्रेनिंग थी। उसके बाद ये उनकी मर्जी थी कि वो अलग अलग इन्फ्लुएंसेस लें या अलग अलग तरह की म्यूजिक दें, मगर उसका जो ग्रामर है म्यूजिक का उस पर उनका पूरा कब्जा था। के बाद एक ऐसा दरवाजा खुला और उस दरवाजे से एक ऐसा संगीत का सैलाब आया कि एक लंबा दौर हिंदुस्तान ने ऐसा देखा जहां इंडियन फिल्म म्यूजिक का दूसरा नाम था शंकर जयकिशन। आप अपने म्यूजिक में शास्त्रीय संगीत का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसकी कोई खास वजह? खास वजह यह है कि हमने सीखा ही शास्त्रीय म्यूजिक पहले, दुनिया में सबसे पहले श्री गणेश शर्मा जो करते हैं वही हमने किया है। अच्छा। पहले क्लासिकल सीखा है जी, उसके बाद ही जो सारा म्यूजिक आया है हमको, वरना जिसके बुनियादी मजबूत नहीं है जी। तो मैं समझता हूँ वो कैसे लोगों को याद रहेगा। सुनिधि, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शंकर जयकिशन को बहुत बड़ा श्रेय जाता है हिंदी फिल्म्स में वेस्टर्न म्यूजिक को इंट्रोड्यूस करने का, डू यू एग्री विद दैट? जी बिल्कुल, आप ही देखिए ना, अभी इन सब ने परफॉर्म किया, वर्सिटिलिटी की हद है, स्टार्टिंग फ्रॉम जिया बेकरार है, छाई बहार है, देन रात के हम सफर जो विपुल ने गाया, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, बदन पे सितारे लपेट हुए, आई मीन आफ्टर जीना यहाँ मरना इनके जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनसे ही आप बदन पे सितारे लपेटे हुए ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, बट शंकर जयकिशन साहब में वो अनबिलीवेबल बात थी। शंकर जयकिशन ब्रॉट इन द काइंड ऑफ ऑर्केस्ट्रल न्यूनेस एंड इनोवेशंस जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली दूसरे कंपोजर्स को क्रेडिट दिया जाता है। मैं उन कंपोजर्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वेरी वेरी न्यू एंड पायनियरिंग यूज ऑफ म्यूजिक एस्पेशली वेस्टर्न म्यूजिक वॉज डन बाय शंकर जयकिशन इन देयर फिल्म। जयकिशन जी का जो म्यूजिक था जो है सचमुच जो कहते हैं बड़े पर्दे का म्यूजिक, और जब उनकी उनके गाने आते थे या गाने आज भी अगर आप देखें तो जिस तरह का उनका ऑर्केस्ट्राइजेशन है, जिस तरह की उनकी सुर जो उनके नोट्स थे, तो एक 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 बिगनेस एक यूज एक कैनवस आपको दिखाई देता है। शंकर जयकिशन का संगीत सुनने के लिए यहाँ एक फरिश्ता आया है, जानते हैं कहाँ से? क्रिकेट के मैदान से, ओहो माफ कीजिए आसमान से। ओ जाने मन दिलारा, जरा शर्मिला जी शर्माइए नहीं, इवनिंग इन पेरिस है, आप भी चले आइए। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, जाना कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, जाना कहो प्यार है तुमसे। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार, लाया हूँ मैं सिखलाने, कहो प्यार है तुमसे। बरसात के बाद जो म्यूजिक को एक स्टेटस मिला, जो म्यूजिक को इसलिए स्टेटस मिला क्योंकि एक पैरेलल इंडस्ट्री बन गई, जिसके वजह से आज हिंदी फिल्म म्यूजिक अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% ऑफ द सेल्स ऑफ म्यूजिक इन इंडिया, दैट बिगैन विद बरसात। अगर फिल्म लोग नहीं भी देखे तो भी डिस सुन के गाना पॉपुलर होना चाहिए, तो इस पे आजकल ज्यादा जोर है। पहले एक वक्त था कि जब इस चीज पे कम जोर देते थे, ये ट्रेंड शुरू हुआ है जब से शंकर जयकिशन ने म्यूजिक देना शुरू किया। उसके पहले का जो पीरियड था उसमें इतना जोर नहीं देते थे, उस पीरियड में फिल्म को ज्यादा मद्देनजर रखते थे। With a record 9 Filmfare awards to their credit, they weren't just the highest paid musicians but also rose to a stature in the industry which remains unparalleled. प्रेसिडेंट नासर,
राष्ट्रपति राजन बाबू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जरा एक नजर इन ट्रॉफियों पर तो डालिए जिन्हें जयकिशन ने अपने घर में बड़ी खूबसूरती से सजा रखा था। जनरल मानेकशॉ ने संगीत का अवार्ड खुद पेश किया, पहले शंकर को। और फिर चैतन्य वसंत देसाई जी का बहुत नाम था कि वो पार्श्व संगीत बहुत अच्छा देते हैं, मगर वो बहुत टेक्निकल करते थे, पूरा टाइमिंग लेते थे, एक एक सीन का टाइमिंग लेके उसके ऊपर अलग अलग स्ट्रोक लगाते थे। और सरली चौधरी से वो पार्श्व संगीतकार बहुत अच्छे थे, उसमें कोई शक नहीं, मगर इन सब में मैंने एक ही आदमी को देखा ऐसा, और वो है जयकिशन, शंकर जयकिशन में से। जयकिशन जी खड़े रहते, मैंने देखा एक दफे नहीं, बीसों दफे देखा, क्योंकि मेरे को बड़ा मजा आता था। वैसे देखते थे ये प्रसंग हो रहा है, 2 सेकंड पे हीरोइन चली, 4th सेकंड में उसने हीरो का हाथ पकड़ा, 5वें सेकंड में वो दोनों भागने लगे, 8वें सेकंड में विलन की एंट्री हो गई। ये सब जो चेंजेस है वो एक दफे देखते थे, एक दफे टाइमिंग लेते थे और असिस्टेंट को बोलते थे, सब असिस्टेंट को कि लिखो, वो लिखता था और वो पीस वहां पे सही लगता था। ये सब कितने प्रक्रिया कितनी छोटी थी, ये 20 मिनट की, इसलिए हम लोग उस जमाने के संगीतकार पूरे दिन में 15 के ऊपर पीस नहीं कंपोज कर सकते थे और ना लगा सकते थे पिक्चर के साथ। ये ऐसे एक शख्स थे जिसको प्रतिभावान कहते हैं, कि वो 60, 65, 55 ये सबसे उनका कम क्रमांक है, 60 पीसेस तो ऐसे ही कर जाते थे। तो ऐसा पार्श्व संगीतकार करने वाला मैंने तो कोई देखा नहीं, और इतना मैंने प्रतिभावान संगीतकार भी कोई देखा नहीं। कभी ना हर संगीतकार कोई ना कोई श्रम करता है, कोई रागदारी के पीछे पड़ता है, कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, मगर ये एक आदमी ऐसे थे कि इनका रोज रिकॉर्डिंग रहता था, रोज ध्वनि मुद्रण रहता था, और उनकी उम्र बहुत कम थी। वो गए तो उनकी उम्र सिर्फ 42 साल की थी, इतने छोटी उम्र में उन्होंने 800-900 पिक्चर की, और हर पिक्चर का गाना लोकप्रिय तो है, मगर वो उनके रिकॉर्डिंग में रोज रिकॉर्डिंग होता था। कभी भी वो प्रोड्यूसर को अपनी ट्यून्स नहीं सुनाते थे, कुछ नहीं, वो 10:30 बजे आते थे, 12:30-1 बजे गाना रिकॉर्ड करके चले जाते थे, कब धुन बजाते थे, कब वो रिहर्सल करते थे, कब उसका म्यूजिक कंपोज करते थे, वो सिर्फ उनको और ईश्वर को मालूम, बड़े प्रतिभावान थे वो। Thus they help raise vast amount of funds for various causes. One of the music shows for the Indian Navy drew record number of audiences and collected around 12.5 crores. And this was in the early 60s. The highest amount to date collected by any entertainer, nationally and internationally. Shankar Jaikishan created the first stereophonic sound album in India, Raga Jazz Time. Of course, it was a non-film album, which is why HMV probably did not publicize it or promote it so much. But even today on Google, and with those lucky enough to have the records or the CDs, the fusion album is so mind-blowing that actual fusion, international fusion artists have loved it and found it and described it as awesome. There were 11 Indian rags, including Shankar Jaikishan's favorite Bhairavi and Todi and others, which were presented in a fusion with all Indian and Western instruments, and it was an amazing album.
एफसीमेरा के ऑफिस के बाहर ही खड़ा था और ऊपर से सीढ़ियाँ नीचे आती थी फ्रॉम म्यूजिक रूम ऑफ शंकर जयकिशन, ऊपर से नीचे आ रहे थे शंकर जयकिशन जी, हसरत, शैलेंद्र उतर रहे और कहने लेख महाराज क्या कर रहे हो यहाँ, क्यों हम थिएटर में इकट्ठे थे, किसी थिएटर में भी कभी कभी काम करता था, मैं जाता था बैठता था, मैं दोस्ती थी, राज साहब के घर आते थे तब मैं उनके घर ही रहा करता था, दोस्ती थी। तो मैंने कहा जी मैंने पिक्चर मेरा साहब की साइड में, उन्होंने एक छोटी सी गाली दी, सारे इसकी पिक्चर करने का हमने इनकार कर दिया, कभी करना नहीं, चल चलते अंदर गए। मेरा तूने देखो साइन किया क्या, नहीं पिक्चर हमारी, पैसे तुम्हारे, हम पिक्चर करें। उसमें मेरा साहब ने फट करके 5,000 निकाल के दे दिया शंकर जयकिशन को, जो उस ज़माने में ये हालत थी, जिस पिक्चर में शंकर जयकिशन म्यूजिक दें, कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, कौन कहानी, कुछ नहीं को पूछता था, पिक्चर रुक गई। लेकिन शर्त ये कि भाई फलां फलां मेरे को बोर कोई नहीं करेगा, शंकर जी ने, जयकिशन जी ने बोला ठीक है, कोई आया नहीं कहा सिवाय मेरे, कल आ जाओ सुबह 10 बजे। पहुँचा वहाँ, शंकर बैठे हैं, शैलेंद्र बैठे हैं, हसरत बैठे हैं, जैक्सन जी बैठे हैं, दत्ताराम बैठा है, सेबेस्टियन बैठा है। अरे हजूम देख के मेरी तो घबराहट हो गई, क्योंकि ऐसा हजूम तो कभी इकट्ठा वहाँ होता ही नहीं था, क्योंकि जय जी अपने घर में काम करते थे, शंकर जी यहाँ बैठ के काम करते थे। तो मैं गया ऊपर, गया कहने भी देखो, मैं कहा जी मैं कहानी सुना, कहानी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुमको 18 गाने सुनाते हैं विद वर्ड एंड ट्यून, जो पसंद आए वो रख ले, बाकी और तेरे लिए बना देंगे। ये किसने कहा? ये जय जी ने कहा। मेरे लिए ये थोड़ा हैरानी की बात है कि बिना कहानी सुने ये गाने आपको दिए जा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, बिना कहानी, हमको कहानी नहीं सुननी, हमारे पास 18 गाने हैं, हैं इसमें तुमको कौन से फिट होते तुम ले लो। अच्छा, और आपने ये गाने अपनी किस फिल्म के लिए लिए? प्रोफेसर के लिए। प्रोफेसर के लिए। ईश्वरी देन बहुत जरूरी चीज है जी, अभ्यास उतना ही जरूरी है। जीवन में संगीत का स्थान बहुत ऊंचा है, हर मूड के साथ संगीत इतना मिला जुला है कि आप अकेले में अपना मन बहला सकते हैं, चाहे आप गरीब हो या चाहे अमीर हो, लेकिन संगीत एक किस्म का खाना है जो है ना आपको दिमाग को शांति देने के लिए जरूरी। जिसको फिल्मों में फिल्म सिंगर बनना हो तो उनके लिए जरूर चांस है, और हम चाहेंगे कि ऐसे लोग मेहनत करें और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, हम चाहते हैं कि नए सिंगर्स आए। राइटर्स के बारे में भी यही है कि नए नए गीतकार आने चाहिए, लेकिन यह है कि उनके ऊपर मेहनत की जाए जो है ना, जिनपे कुछ कुदरती देन हो और कुछ उन्होंने प्रैक्टिस भी की हो, तो उनको हम जरूर चांस देंगे। बारह सितंबर 1971 संडे रविवार, यही वो दिन था जब खूबसूरत जयकिशन कम उम्र में साइरोसिस ऑफ लिवर की वजह से जिंदगी से हार गए और चले गए हम सबको छोड़कर। पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि उनके अंतिम दर्शन के लिए हुजूम इकट्ठा हो गया था, और तो और चर्च गेट में जो रेस्टोरेंट गैलॉर्ड है, जिस टेबल नंबर 33 के वो रेगुलर विजिटर थे, वो टेबल गैलॉर्ड के मालिकों ने पूरे एक महीने तक रिजर्व रखी कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि के रूप में। उसकी बातें, जो उसमें अच्छी बातें थी, वो सारी दुनिया को याद रहेगी। इतना खुश, इतना गुनी, अपने काम में, अपने संगीत में, अपनी सारी बातों में मिलनसार, और एक दूसरे से कैसे मिलके रहना, एक दूसरे से कैसे प्यार दिखाना और कैसे प्यार लेना, वो ही जानता था। वो तो मुझे भी नहीं आता। अक्सर के मुझे डांटता था कि यार तुम तो हमेशा ही गुस्से में रहते हो, किसी को ना किसी को डांटती रहते हो, लेकिन वाकई वो बहुत प्यारा था। सारी दुनिया उसके लिए और उसकी खूबसूरतियों के लिए, उसकी अच्छे काम के लिए, और उसने जो अच्छा काम किया है वो सब लोगों को याद रहेगा। अच्छा शंकर जी, लोग ये महसूस करते हैं कि जयकिशन जी के बाद फिल्म जगत में आपका नाम भी कम नजर आने लग गया है। उसकी वजह है, आपको इससे पहले भी मैंने बताया है,
जैसे कि आजकल के वक्त में एक अच्छा आदमी जो नाम किया है और अच्छा वक्त देखा है, तो ऐसे काम के लिए किसी के घर जाना, किसी को खुशामद करना, किसी के पास जाके बैठे ना, ये मैं समझता अपनी बेइज्जती है। इंसान अगर शान से काम करना हो तो ठीक है, काम का मुकाबला कीजिए ना। काम अगर अच्छा चाहिए तो हम है, चाहे आज हो, आज से 25 साल पहले का भी अगर काम करना हो तो हम करके दिखा सकते हैं। और आज भी हमारा जो म्यूजिक जो भी हमने किया जी, आज के गानों से भी ज्यादा हमारा म्यूजिक का रिदम आज भी उतना ही फास्ट। बॉम्बे में आया हरियाणा से, मेरा यहाँ कोई नहीं था, और 8 साल की स्ट्रगल के बाद मुझे एक शख्स ने शंकर जी से मिलवाया और फेमस में गया। वहाँ मुझे काम मिला लादी साफ करना और उनकी गाड़ी धोना। मेरा एक ख्वाब था कि मैं इनके गाने जब अपने खेतों में सुनता था, जब वो गाने बजते थे तो मैं सोचता था कि मैं भी एक दिन बॉम्बे जाऊंगा और मेरा भी ऐसे नाम आएगा। अपना नाम खुद ही बोल बोल के सोच लेता था, मैं शंकर जयकिशन के साथ गाने लिखूंगा, लोग मेरे गाने सुनेंगे। स्ट्रगल करते करते एक दिन वो आया कि मैं डायरेक्टर बन गया। मैंने पहली फिल्म प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट की, उस फिल्म का टाइटल था गोरी। गोरी के लिए मैंने एक सपना सजाया था कि इसमें शैलेंद्र जी तो तब नहीं रहे थे, मैं कहा हसरत साहब से गाने लिखवाऊंगा और शंकर जी का म्यूजिक लूंगा, जय भाई भी नहीं रहे थे। तो मैं उनके म्यूजिक रूम पे गया, 21,000 रुपये लेके गया था, मैंने जाके उनके पैर छुए। अब ये अरसा 17-18 साल का हो चुका था, तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मैंने उन्हें याद दिलाया कि मैं कौन हूं। उन्होंने मुझे पहली बार ऐसे गले लगाया जैसे कोई बाप अपने बिछड़े हुए बेटे को लगाते हैं, और उनकी आंखों में नमी थी और मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं कुछ कह ही नहीं पाया उनको। उन्होंने कहा कि अच्छा, जो कल तक हमारे यहां नौकरी करता था आज वो हमें नौकरी देने आया। तो मैंने तुरंत पैर छू लिए, मुझे उनके गुस्से का मालूम था, मैंने पता नहीं पिक्चर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैंने कहा सर मैं आपको नौकरी देने नहीं आया, मैं तो आशीर्वाद लेने आया हूं, मेरी ये फिल्म मुझे मिली है और मैं चाहता हूं इसमें म्यूजिक आपका हो। तो तुरंत उनका आगे से आया कि अच्छा म्यूजिक मेरा हो और गाने तेरे हो। मैं खामोश हो गया, वैसे अंदर से मैं भी यही चाहता था लेकिन मैं कह नहीं सकता था। मैंने कहा नहीं साहब, मैं आप ये पिक्चर कीजिए, फिर गाने जैसे आप बोलोगे कर लेंगे। उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए, मैंने कहा ये 21,000 रुपये। उन्होंने कहा 1 रुपया और दो, तो 1 रुपया हमने और दिया, और वो 1 रुपया लेके बोले कि हम इसी 1 रुपये में तुम्हारी पिक्चर करेंगे। मेरी पूरी पिक्चर उन्होंने 1 रुपये में की, और 1 रुपये में क्या हो सकता है। उन्होंने इस तरह से मेरी पिक्चर में म्यूजिक दिया, मुझे इतना सम्मान दिया। मेरी हिम्मत नहीं थी उनके सामने बैठने की, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि जैसे मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूं और वो कुछ भी नहीं। ये फिल्म जैसे शुरू हुई तो इसमें एक और मेरे साथ दुर्घटना हुई कि इसका एक गाना था गोरी है कलाइयां पहनी है मैंने हरी हरी चूड़ियां, ये गाना सभी ने सुना होगा। ये मेरा गाना था, मेरे वर्ड थे, मेरा गाना नहीं आता है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, मेरा वर्डिंग थी गोरी है कलाइयां पहनी है मैंने हरी हरी चूड़ियां गोरी है कलाइयां। और एक महान म्यूजिक डायरेक्टर ने मेरा गाना चुरा के आज का अर्जुन में दे दिया और उन्होंने कहा गोरी है कलाइयां तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां गोरी है कलाइयां। सेम गाना, ये गाना आया तो मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मेरी उतनी बिसात भी नहीं थी कि मैं उन लोगों से टकराऊं। और ये गाना सुपर डुपर हिट हो गया, और एक फंक्शन में मैं बैठा था जब वो म्यूजिक डायरेक्टर बेस्ट गाने का अवार्ड ले रहा था। सुधाकर शर्मा लेटर ऑन बिकेम अ लिरिसिस्ट हु रोट मोस्ट ऑफ हिमेश रेशमिया'स अर्ली सॉन्ग्स। सो ही टोल्ड मी वन डे दैट उन्होंने उनकी एक ड्रीम थी कि वो कभी पिक्चर बनेंगे। जब वो प्रोड्यूसर बन गए 1980s में,
तो वो ऑब्वियसली शंकर जी के पास गए बिकॉज ही वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ शंकर जी एंड ही सेड आई कैन पे यू अ टोकन अमाउंट ऑफ 21,000 विल यू डू माय फिल्म शंकर जी एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड आई विल टेक दिस वन रूपी एंड द फर्स्ट सॉन्ग ही रिकॉर्डेड फॉर दिस शोड दैट शंकर जय किशन कुड टॉप द काउंटडाउन इवन इन द 90s यस फ्रेंड्स द सॉन्ग वॉज गोरी है कलाइया विच वॉज रिकॉर्डेड विद कविता कृष्ण The film was small, it had no stars, and it was delayed and released finally in 1992. Unfortunately, somebody played the master tape to another music director, you know who I'm talking about, and he came out with the chartbuster Gori Hai Kalaiya in the voice of Lata Mangeshkar and Shabbir Kumar, and the song topped the Bina Ka Geet Mala in 1990. Can you beat this? किसे भूल जाऊं किसे याद रखूं सामने रिकॉर्डों के ढेर लगा है हर गाने के साथ मीठी यादों के सपने सजे हैं आंखों के सामने बीते हुए दिन यूं उभर रहे हैं जैसे एक फिल्म चल रही हो पहला दृश्य उभरता है आरके स्टूडियो में बैठे हैं मैं यानी शंकर जयकिशन शैलेंद्र हसरत और राज कपूर साहब और हो रही है गीतों की बरसात और तभी जैसे फिल्म टूट जाती है रोशनी हुई तो देखा शैलेंद्र नहीं है जय किशन भी साथ छोड़ गए हैं और जो है वो भी बेगाने से रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उसी के खूंचे में हम आज गुनेगारों की तरह और एक आह भर कर सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ मेरा म्यूजिक शुरू हुआ मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि वो घड़ी भी मेरे सामने आई जब मेरा एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था और शंकर जी की डेथ हो गई फेमस में मेरा गाना चल रहा था हम लोग सब रिकॉर्डिंग कर रहे थे शायद भरत भाई भी उसमें थे और एनोक डैनियल अरेंजर थे हमको मैसेज मिला 12 बजे कि शंकर जी नहीं आ रहे हैं तो मैंने उनके घर फोन किया ऐसा कभी होता नहीं था कि शंकर जी लेट हो जाएं तो घर पे किसी ने फोन नहीं उठाया तो दूसरा फोन किया तो मुझे कहा कि शंकर जी ने बोला है कि आप घर पे जो है ना चाबियां भेज दो ये गाना हो रहा था उनके जो म्यूजिक रूम था वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो बन चुका था और इसकी चाबी लेके आ जाओ मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है वो तो बोले थे कि मैं आ रहा हूँ खैर मैंने डैनियल को बोला कि सर आप पैकअप कीजिए क्योंकि उनके बिना हम गाना नहीं कर पाएंगे अगर करेंगे और वो नाराज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा वो पैकअप हुआ और शाम को 6 बजे हमें पता लगा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे वो एक लंबी कहानी है उनके साथ जो हुआ शायद आपको भी मालूम है एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया कोई जल्दी में कोई देर में जाने वाला ये तो सभी को जाना है कोई पहले चले गए कोई बाद में शंकर जी हम सब के बीच में से यूं चला जाना जबकि 10 दिन पहले ही मुझसे आके मिले और कहने लगे कि वो लंदन के कुछ स्पॉन्सर्स हैं जो चाहते हैं कि आरके और अन्य और संगीत जो उन्होंने बनाए हैं उनका एक वहां पर
हॉल में शो किया जाए और चाहे थे कि मैं उसका उद्घाटन करूं, उसको प्रेजेंट करूं, तो मैंने कहा इसमें उससे और क्या खुशी हो सकती है कि आज तक आपका काम इस कदर लोकप्रिय है, लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है कि भूले से नहीं भुलाए जाते वो गीत आपके। बड़े खुश हुए और कहने लगे कि बस ठीक है, आप बता दीजिए कि आप कब कब हम लोग तैयारी कर लें। और मैंने कहा बस तैयारी है, गीत आपके होते पर है और मुझे जो कहना है आपके बारे में मैं कहूंगा। क्या पता था कि आज ये कहना होगा कि शंकर जी नहीं है लेकिन उनके गीत है, उनका संगीत है। शंकर जी का मुझे अब भी याद है, इनका एक मुखड़ा था जो मुझे टीन के डब्बे पे बजा के सुनाते थे कि अम्बुआ का पेड़ है वही मुंडेर है, आजा मेरे बालमा अब काहे देर है। हमें बहुत पसंद आता था, रखा रहा वक्त पे। जब बरसात बनाना चाह रहा था मैं तो हसरत अचानक वो भी इसी तरह ही जैसे जिंदगी की राह पर चलने वालों को मिल जाते हैं साथी, तो हसरत भी साथ आ लिए और उन्होंने वही गाने को जो पहला गाना शंकर जी ने एक संगीतकार की सेहत से बनाया और उसे रिकॉर्ड किया। जो काम शंकर जी कर गए हैं शायद ही कोई इतना लोकप्रिय संगीत, जो कि यूं मान लीजिए कि आज से 20, 25, 30 साल पहले बने हुए गाने अब तक लोगों के होते थे, कुछ तो होगा उसमें। मेरे लिए तो मैं क्या कहूं, अगर शुरू से गिनने लगूं तो ये अब चौथा स्तंभ है आरके और आरके के संगीत का जो गिर गया तो चला गया। पहले शैलेंद्र, फिर जयकिशन, फिर मुकेश जी। मैंने ये सुना कि उनका देहांत हो गया। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं मुझसे बोला नहीं जा रहा है कि क्या मेरी हालत है, क्या बीत रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने चार एक लाइन है अपने साथी को ख्याल में रखते हुए कही है, तो मैं आप सबके सामने सुनने वालों के सामने पेश किया था। ये मेरे दिल के तासुरात हैं, दिल के जज्बात हैं, वो मैं पेश की देता हूँ। कि जब ये सुना है मैंने कि शंकर चला गया, जब ये सुना है मैंने कि शंकर चला गया, मुझको यकीन आया कि दिलबर चला गया, मुझको यकीन आया कि दिलबर चला गया। डूबी हुई ये सोग में मेरी जिंदगी, वो मूसिकी का एक समंदर चला गया। जब ये सुना है मैंने कि शंकर चला गया, एक एक करके सभी मेरे यार चल दिए, दिलदार चल दिए, मेरे दिलदार चल दिए। मैं तन्हा रह गया हूँ किसी पेड़ की तरह, कल जो मिले थे आज वो सरकार चल दिए, मेरे दिलदार चल दिए। मैं इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ। आज मैं किस कदर सौगवार हूँ कि मैं बयान नहीं करता। मुझे वो पुराने जमाने याद आते हैं कि जब शंकर जी मुझे सबसे पहले शंकर जी आर के में मुझे ले गए, पृथ्वी थिएटर में ले गए और हमारा एक गुरु बना, और उनका बहुत बड़ा हाथ था गुरु बनाने में। और म्यूजिक की दुनिया में एक इतना खूबसूरत ग्रुप पैदा उन्होंने किया कि जिसकी वजह से आज उनकी यादें जो हैं वो कभी नहीं मर सकती। शंकर जी तो चले गए लेकिन उनकी यादें हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगी जब तक ये दुनिया कायम। बहुत बहुत दुख हुआ मुझे। शंकर जी मेरी कैरियर के लिए जो कुछ किया शंकर जी, उनका देर में कभी जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। राज साहब के पास शंकर जी ने ही मुझे लेके गए थे और बुक पॉलिश में पहला गाना उनका गाया था मैंने, लपक छपक के आगे।
पकड़ो आप। हजरत जी, लिखा था वो गाना और तब से मैं बहुत करीब हो गया था शंकर जी के पास जाया करता था और उनके साथ बैठा करता था और बहुत कुछ सीखा भी मैंने। एक चीज शंकर जी ने मैंने देखी कि लगन, हार्ड वर्क के लिए जो लगन शंकर जी की जो मेहनत करते थे, उस मेहनत के फल शंकर जी को मिलता था। और मैं जब जब देखा किस ढंग से काम करते थे, तब तक मुझे लगता था कि मैं भी एक दिन इस ढंग से म्यूजिक डायरेक्शन के क्षेत्र में आ जाऊंगा। शंकर जी बहुत अच्छा तबला बजाते थे, शंकर जी क्लासिकल म्यूजिक भी अच्छी तरह से मालूम किया था और फिल्म के जरिए उन्होंने इस्तेमाल भी किया बहुत अच्छी तरह से। और मुझे कुछ कुछ गाने ऐसे गवाए उन्होंने कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ मैं कितनी आभारी हूँ उनकी। उनका चले जाना मेरे लिए बहुत दुख की बात। जय किशन जी की बात करूंगा, जय किशन जी के जैसा कंपोजर तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं बड़ा उनका फैन तब था और अभी भी हूँ। हमको शंकर जी, जय किशन जी बहुत पसंद आते हैं, उनका काम करने का ढंग, उनका म्यूजिक। शंकर जी को हम मानते हैं, हमारे गुरु जी, हमें जो भी सुन सुन के सीखा उनसे। जय किशन जी को लक्ष्मी जी, मैं भी, लेकिन लक्ष्मी जी बहुत ही प्यार करते हैं शंकर जी को भी, लेकिन जय किशन जी कैसे उठते हैं, कैसे बात करते हैं, वो कॉलर पर के रखते थे तो लक्ष्मी जी भी कॉल रखते थे। जय किशन जी राइट हैंड में घड़ी पहनते थे तो लक्ष्मी जी राइट में पहनते थे। और गाने का तो काम कर शंकर जय किशन और एस डी बर्मन, ये दोनों हमारे बड़े फेवरेट म्यूजिक एक्टर रहे हैं और डेफिनेटली इनके म्यूजिक से हम लोग इंस्पायर हुए हैं, इसमें कोई शक। मेरे फेवरेट हमेशा शंकर जय किशन। मैंने जिंदगी में आपको सुनाया था गाना, उनके सुन के मैं इंस्पायर होती हूँ, जो भी गाने बनाती हूँ, तो मेरे फेवरेट रहे। I was very fond of Shankar Jai Kishan's music and Shankar Jai Kishan made a lot of tunes in Bairavi, they all were hit. आज मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, उसके पहले म्यूजिक अरेंजर हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक म्यूजिशियन हूँ। मेरी एक एम्बिशन थी कि कभी शंकर जय किशन के पास मुझे बजाने के लिए एक मौका मिल जाए और इत्रिविकन से 60s में मुझे वो मौका मिला। मेलोडी जो है वो डेफिनेटली मैंने जो अपने पिताजी से सीखा है। पिताजी संगीत में थे। हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और शंकर जय किशन जी के साथ वो बहुत लीडिंग म्यूजिशियन थे। म्यूजिक आपके खून में है, बेसिकली म्यूजिक खून में है। आपके रोल मॉडल कौन है म्यूजिक डायरेक्टर पिछले? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आर डी बर्मन जी, शंकर जय किशन। शंकर जी हमारे गुरु, उनके साथ हमने काम किया और बरसात से लेके आखिर तक हम लोग ने काम किया। जब मैंने एक गाना सुना हमारे गुरुजी शंकर जयकिशन साहब, मैं डैडी को तो बहुत मानता हूँ, बहुत कुछ सीखा उनसे, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि शंकर जयकिशन साहब का म्यूजिक मेरे अंदर बहुत समाने लगे थे। आई एम अ फैन ऑफ शंकर जयकिशन। जब मैं 5 साल का था 6 साल का था मैंने वो गाना सुना था आवारा हूँ और वो पीस की वजह से मैं संगीतकार बना। शंकर जयकिशन के बारे में मैं नहीं बल्कि हिंदुस्तान के एक बहुत महान कंपोजर आर डी बर्मन साहब ने यह कहा था, शंकर जय किशन से बढ़कर कोई म्यूजिक डायरेक्टर हिंदुस्तान में आया ही नहीं। उसका कारण यह है कि शंकर जय किशन ने जितना वेरिएशन दिया, जितनी डिफरेंट जॉनर के गाने दिए, वैसा किसी को देने का मौका ही नहीं मिला। और जब जब भी शंकर जय किशन को मिला, उन्होंने वो गाने को ऐसा कर दिया कि उसके पीछे लोगों ने कंपोज करना शुरू किया। ये शंकर जी और जय किशन साहब, उन्होंने कई बार ऐसे गाने दिए हैं कि जो कंपोजर को, एक्टर्स को और वो इर्द गिर्द जो शंकर जय किशन को समझने वाले थे, उनको सबको इंस्पायर करता था। वो फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर को रास्ता बताने वाले कंपोजर थे। तो शंकर जय किशन के बारे में तो जितना कहें उतना कम है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैं शंकर जी से मिला हूं। मैं जय साहब से तो नहीं मिल सका क्योंकि उनकी बहुत जल्दी देहांत हो गया था, लेकिन ऐसे कमाल के कंपोजर और ऐसा कमाल का कंपोजिशन। एक मैं जरूरी बात यह बोलना चाहता हूं कि 99% लोग ये सोचते हैं कि बंगाली कंपोजर का जवाब नहीं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जय साहब गुजराती थे और गुजराती पंचाल सरनेम था उनका, और गुजराती कंपोजर इस लेवल के
कि उन्होंने सब लोगों को पीछे छोड़ दिया। कल्याण जी आनंद जी भी गुजराती हैं और भी कंपोजर गुजराती होंगे, लेकिन इससे बड़ा कंपोजर मैंने आज तक ना देखा ना सुना। दुनिया में आज दोनों ही नहीं है, लेकिन उनका काम तो है, वो काम रहेगा। उन्हीं की फिल्म का गीत है, उन्हीं का कंपोज किया हुआ, शंकर जयकिशन का। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। जोकर का गाना है। जोकर एक कलाकार है, एक आर्टिस्ट है। वो आर्टिस्ट इस दुनिया से चला जाता है और यही क्या कहता जाता है, पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो जीना आसान हो। Everybody jungle,
devono curare con un cane nesciurato, ne ho giù ballato. Ciampa nel cianco, e le vanno nel cianco. Ciampa nel cianco.